नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं वृत्त का क्वेश्चन। उससे पहले कुछ थ्योरम देखते हैं। थ्योरम पहले भी जो बता रहे हैं वो हो चुका है। ये होता है वृत्त में एक जीवा से परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण से आधा होता है। अगर ये 2x होगा तो ये x होगा, या दूसरे तरह से कह सकते हैं एक जीवा से केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। ये x है तो ये 2x है, या ये 2x है तो ये x। इसमें भी एक और है इस टाइप से, ये जीवा है, यहाँ पे अगर बना है कोण y, इस जीवा से परिधि बना y, तो केंद्र पे बनेगा 2y, ये वाला बनेगा 2y, ये वाला नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, ये y है तो ये 2y होगा। उसके बाद अगर ये है चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, ए बी सी डी। चक्रीय चतुर्भुज का होता है वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त के परिधि पर बनता हो। इसमें सम्मुख कोण के योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ये चतुर्भुज में होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज में भी इस टाइप का होता है। अगर त्रिभुज बना हुआ है वृत्त के अंदर, त्रिभुज बना हुआ है, कोई स्पर्श रेखा यहाँ स्पर्श करता है, तो अगर ये कोण एक्स है तो ये एक्स होगा, और ये कोण वाई है तो ऊपर वाले वाई होगा। ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये वाई है तो ये वाई होगा, और ये इस टाइप से अगर है, अगर ये P है, ये A है, ये B है, यहाँ C है, यहाँ D है, तो इसमें कंडीशन होता है PA गुना PB बराबर PC गुना PD। पॉइंट से PA गुना PB बराबर PC गुना PD। और अगर ये रहता है यहाँ स्पर्श कर रहा है और यहाँ कट कर रहा है PABC, तो PA का स्क्वायर बराबर PB गुना PC। और इसमें भी अगर एक अंदर रहता है इस टाइप से, अंदर में दो जीवा जब आपस में कटता है, ये जीवा है, ये ABCD, ये ई पर कट रहा है, तो AE गुना EB बराबर CE गुना ED। जब दो जीवा वृत्त के अंदर कहीं कट रहा है तो कटने केस में AE गुना EB बराबर EC गुना ED। अगर त्रिभुज में बात किया जाए तो जिस त्रिभुज का जो भुजा बराबर होगा उसके सम्मुख कोण आपस में बराबर, और ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये और इस भुजा के सम्मुख कोण ये दोनों कोण भी बराबर होगा। जो त्रिभुज में जो भुजा बराबर होगा उसके सम्मुख कोण बराबर होगा। अगर तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण बराबर होगा, तीनों कोण 60-60 डिग्री होगा। दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। अगर ये है 50 और ये है 70, तो 50 और 70 ये हो जाएगा 120 डिग्री। दो अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है पहला,
पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है इस टाइप से, चक्रीय चतुर्भुज है और कह रहा है ये दोनों समांतर है और ये है 110 डिग्री। पूछ रहा है ये कोण क्या होगा एक्स। तो चक्रीय चतुर्भुज में पहला चीज होता है सम्मुख कोण का योग 180 होता है, तो ये 110 है तो ये 70 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये 110 है तो ये 70 होगा। अब जब दो समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है तो ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, ये कोण और ये कोण का जोड़। जब दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, तो ये कोण अगर 70 है तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये 70 है तो x बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण का जोड़ होता है 180। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में एक ही जीवा से परिधि पे कोण बनाया गया एक, और इसी जीवा से केंद्र पर कोण बनाया गया है। यहाँ बीच में जीवा ड्रॉ नहीं किया, मगर एक ही जीवा से ये कोण और ये, उसमें ये दिया है 130 डिग्री, केंद्र का नाम है ओ। पूछ रहा है ये कोण कितना होगा, ये कोण एक्स बराबर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। अब देखिए, ये अभी एक थ्योरम का चर्चा किए थे, जो अगर ये होगा एक जीवा से अगर ये बनेगा कोण वाई, तो ऊपर वाला होगा 2y, ये वाला कोण होगा 2y, ये y तो ये 2y, तो ये 130 है, एक पॉइंट पे बनता है 360, तो ऊपर वाले हो जाएगा 230, क्योंकि एक पॉइंट पर चारों तरफ मिला के होता है 360, तो ये अगर 130 ऊपर वाले हो गया 230, और 230 का आधा होगा x जो होगा वो होगा 230 का आधा, क्योंकि ये जीवा है ना, ये जीवा है, तो ये अगर 230 है, ये x बराबर हो जाएगा 115 डिग्री, x का मान आ गया 115 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, तीसरा, कह रहा है एक वृत्त दिया गया है, इसमें व्यास, ये व्यास है, यहाँ पे ये चक्रीय चतुर्भुज बना लिया गया है, और ये कोण दिया है एक्स, ये कोण पूछ रहा है, और ये दिया गया है 30। समझिए, एक चक्रीय चतुर्भुज है, अगर पहले चक्रीय चतुर्भुज के फंक्शन को छोड़ करके अगर देखें, व्यास से बना कोण, ये जो कोण होगा, ये व्यास है, व्यास से जो बना कोण, तो ये कोण 90 होगा, ये कोण 90 होगा, क्योंकि व्यास पर बना कोण समकोण होता है, तो ये व्यास है, इससे जो बना है कोण, ये कोण समकोण हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो ये 90 और ये 30, 120, तो ये बचा 60 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। अब ये 60 है और ये x पूछ रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, आंसर हो गया। समझिए, व्यास पर बना कोण समकोण, तो ये 90, ये 30 दिया ही था, 90 30 120, तो ये बचा 60, और ये 60 तो ये 120। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्त दिया गया है और वृत्त में ये केंद्र है,
केंद्र से जो है ये कोण दिया गया है 110 डिग्री, और ये केंद्र है, केंद्र का नाम है ओ, पूछ रहा है ये एक्स। तो पहले ये समझते हैं, अगर ये जीवा होगा इस टाइप से, इसको जीवा बना देते हैं, जीवा बना दिए, तो जो कोण ये होगा उसका आधा ये होगा। ये 110 दिया है, ये पूछ रहा है, तो 110 के ऊपर टोटल होगा 360, तो ऊपर वाले वो आ जाएगा 250, और 250 का आधा ये होगा, 250 का आधा 125, और एक लाइन पे बनता है 180 डिग्री, एक लाइन बनता है 180 डिग्री, दिए 125, तो ये आ जाएगा 65 डिग्री, एक्स बराबर आ गया 65 डिग्री। समझिए दोबारा से, ये 110 दिया है तो ऊपर वाले आ गया 250, 250 का आधा ये 125, एक लाइन बनता है 180, तो इधर हो गया 65। अगला क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में एक ये त्रिभुज बनाया गया, इसको मिला दिया यहाँ से, तो ये चक्रीय चतुर्भुज का फॉर्म हो गया। ये केंद्र है ओ, ये पूछ रहा है एक्स, ये कोण दिया है 25 डिग्री, और कह रहा है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इतना क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए, जब ये त्रिभुज का अगर चर्चा किया जाए तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण ये और इस भुजा के सम्मुख कोण ये आपस में बराबर होगा, तो ये 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि जो भुजा बराबर होता है उसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा बराबर है, इसके सम्मुख कोण ये, इसके सम्मुख कोण ये, तो आपस में बराबर होगा, ये 25 है ये भी 25 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री, तीनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री, दिए 25 25 50, तो 50 तो नीचे वाला बचा 130। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो ये 25 25 50, तो ये बचा 130। अब देखिए, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, अगर ये 130 डिग्री है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है, ये अगर 130 है तो ऊपर वाले आ जाएगा 50, 130 है तो ऊपर वाले 50, तो ये 50 डिग्री हो गया आंसर, एक्स बराबर 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन, छः नंबर कह रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, और कार है वृत्त में एक त्रिभुज है जिसके तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है, और ये कोण पूछ रहा है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है, यही है एक्स। क्वेश्चन इतना है, एक वृत्त है उसके अंदर ये त्रिभुज भी है और चक्रीय चतुर्भुज भी है, ये पहले चर्चा करते हैं, ये तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, तीनों कोण, तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों कोण होगा 60 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तीनों कोण बराबर होगा। अब चक्रीय चतुर्भुज में देखिए, अगर ये बना दें इसको, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये एक पूरा जो है एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो अगर ये कोण हो गया 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60, तो ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, एक वृत्त दिया गया है, उसमें
इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज के दो भुजा को बाहर की ओर निकाल दिया गया है। चक्रीय चतुर्भुज है, इसके दो भुजा को बाहर तक बढ़ा दिया गया है। इसमें ये पूछ रहा है, एक्स पूछ रहा है और ये दिया है 110 डिग्री, ये दिया है 110 डिग्री। तो देखिए एक लाइन पे बनता है 180, ये एक्स पूछ रहा है, ये दिया हुआ 110, एक लाइन बनता है 180। तो अगर ये है 110 तो इधर बुला जाएगा 70, अगर ये है 110 तो नीचे इसके बगल वाले हो जाएगा 70। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग होगा 180 डिग्री, तो ये दोनों सम्मुख कोण है, तो ये अगर 70 है तो ये हो जाएगा 110, क्योंकि ये 70 है तो सम्मुख कोण का जोड़ होता है 180, तो ये 70 है तो ये हो जाएगा 110। एक लाइन पे बनता है 180, ये 110 है तो ऊपर वाले एक्स बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो गया आंसर एक्स का मान। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है, एक वृत्त दिया गया है और वृत्त में ये कोण दिया गया है, एक कोण दिया गया है ये 100 डिग्री और ये केंद्र है, केंद्र को ओ लिख दिए। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है एक्स, यहां से इस लाइन को ड्रॉ कर दीजिए तो ये पता चलेगा एक जीवा से ये कोण बना है केंद्र पर, ये कोण है परिधि पर। तो अगर ऊपर वाले ये 100 है तो ऊपर वाले कितना हो जाएगा, टोटल 360, तो ऊपर वाले हो गया 260, 260 का आधा ये होगा, 260 ये है तो ये हो जाएगा 130, 260 का आधा 130, एक लाइन पे बनता है 180, तो ये 130 है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये 130 है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन में, एक वृत्त दिया गया है, ये व्यास है, ये व्यास है, अब यहाँ से ये चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है और ये अर्धवृत्त पर बना दिया गया है कोण है, ये दिया गया है 130, पूछ रहा है ये कोण, ये कोण दिया हुआ है 130, ये पूछ रहा है एक्स। तो देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण या व्यास से जो कोण बनेगा वो समकोण होगा, पहला बात ये कोण समकोण हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का होगा ये कोण, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण का जोड़ 180 होगा, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का जोड़ 180 होगा, तो ये 130 है तो ये कोण हो जाएगा 50 डिग्री, सम्मुख कोण का योग 180 होता है। अब 90 और 50, 140 तो ये बचा 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो ये 9, 5, 14 140 हो गया, तो बचाइए 40 डिग्री एक्स का मान। अगला क्वेश्चन है 10, 10 नंबर भी इसी तरह का है क्वेश्चन, 9 के जैसा ही है 10। एक वृत्त है, वृत्त में जो है ये व्यास है, ये व्यास है और ये चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण किया गया है, यह अर्धवृत्त पर बना कोण है, ये कोण पूछ रहा है एक्स और ये दिया है 120। देखिए अर्धवृत्त पर बना कोण, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये अर्धवृत्त से जो बना कोण है ये कोण, तो ये समकोण हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है, तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा,
सम्मुख कोण का योग 180। अब इस त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होगा, तो ये 90 और 60, 9 6 15 150, तो ये बचा एक्स बराबर 30 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होगा 180 डिग्री, तो ये हो गया 150, तो बचा 30 डिग्री एक्स का मान। अगला क्वेश्चन, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक वृत्त दिया गया है और ये केंद्र है, यहाँ से परिधि तक ये स्पर्श कर रहा है। अब इसमें ये पूछ रहा है एक्स, ये दिया है 26 और ये दिया है 10, ये दिया है 10। तो जब भी पर ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी स्पर्श रेखा और त्रिज्या मिलता है तो ये समकोण बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के साथ अब ये समकोण त्रिभुज तरह हो गया, पाइथागोरस लग जाएगी इस टाइप का, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसमें एक्स है या 10 है, दोनों में से कोई सा भी लंब मान लेंगे, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, क्योंकि 26 कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला, जैसे ये समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला कर्ण होता है और बाकी एक आधार एक लंब। तो आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 100 बराबर 26 का स्क्वायर 676, 100 उधर घटा देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 676 माइनस 100, एक्स स्क्वायर बराबर 576, एक्स बराबर 576 24 का स्क्वायर है, एक्स बराबर 24 आ गया आंसर, एक्स बराबर 24। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में व्यास बनाया गया है, ये व्यास है। अब जो है ये चक्रीय चतुर्भुज के फॉर्मेट कर दिया गया और यहाँ से ये मिला दिया गया, और ये है 25 डिग्री और पूछ रहा है ये कोण क्या होगा। ये है 25 और ये पूछ रहा है और कह रहा है ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ। ये व्यास से गुजर रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, जब भी व्यास से बनेगा कोण तो समकोण होगा, तो वो 90 हो गया। अब देखिए ये 90 हो गया, अब 90 और 25 115, तो ये बचा 65 डिग्री, त्रिभुज में ये बचा 65 डिग्री। अब 65 ये हुआ तो ये हो जाएगा 115 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है, तो ये हो गया 115 डिग्री। अब एक्स अभी भी एक्स नहीं आया है, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है और कोई रेखा ये काट रहा है, अगर ये 25 होगा तो ये भी 25 होगा, दो समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, कोई रेखा काट रहा है, काट रहा है, तो ये कोण अगर 25 है तो ये वाला भी कोण, तो यहाँ से ये कोण आ गया 25, ये कोण आ गया 25। अब ऊपर वाले त्रिभुज में तीनों कोण का योग होगा 180, तो 115 और 25 140, तो एक्स बराबर आ गया 40 डिग्री, समझिए
दोबारा से, ये 25 है व्यास पर बना कोण, ये समकोण हो जाएगा। तो अब ये 90 और ये 25, 115, ये बचा 65, ये 65 तो इसके सामने वाला 115 चक्रीय चतुर्भुज से। अब दो समांतर रेखा खींचा गया, अगर ये 25 तो ये भी 25, एकांतर कोण से ये 25 तो ये भी 25 हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180, एक कोण है 115, एक 25, 115 25 140, तो ये बचा x बराबर 40 डिग्री। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कर एक वृत्त दिया गया है, उसमें ये ए बी एक जीवा है, ए बी एक जीवा है, ये केंद्र है ओ और ओ सी लंब है, ओ सी लंब है ए बी पर, और ओ ए त्रिज्या है, ये आर है त्रिज्या है। कह रहा है अगर ए बी बराबर 16 और ओ सी बराबर 6 तो आर बराबर क्या होगा। तो ए बी 16 है तो ये भी 8, ये भी 8, पूरा 16 8 8, और ये है 6 उसी छेद, पाइथागोरस लगा दीजिए, ये आधार ये लंब ये कर्ण, तो आर स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, आर स्क्वायर बराबर 100 तो आर बराबर 10, त्रिज्या आ गया 10। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एक वृत्त दिया गया है, वृत्त दिया गया है इसमें जो है वृत्त में व्यास पर व्यास बनाया गया है, पहले ये व्यास हो गया। अब इस तरह से ये कोण कह रहा है 50 डिग्री है, ये कोण 50 है, पूछ ये x और ये भी x, क्वेश्चन में पूछ रहा है x प्लस x बराबर क्या होगा। अब ये केंद्र है तो पहले समझिए व्यास पर बना कोण समकोण होता है, व्यास पर बना कोण ये व्यास है, व्यास से जो कोण बनेगा तो ये कोण क्या होगा समकोण होगा। तो जब ये कोण 90 डिग्री होगा, इसमें एक टुकड़ा कट गया 50 तो ये वाले बचेगा 40, ये वाला पार्ट 40 हो जाएगा क्योंकि समकोण बनेगा, ये 40 तो ये भी 40, तो 40 40 कितना हो जाएगा x प्लस x बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये भी 40 ये भी 40, 80 हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 नंबर में एक वृत्त दिया गया है और व्यास है ये कोण दिया गया है इसमें 150 डिग्री और ये कोण पूछ रहा है, ये व्यास है, ये वृत्त का व्यास है और ये कोण है 150, ये कोण पूछ रहा है। तो व्यास से जो कोण बनेगा, इस व्यास से जो कोण बना ये समकोण होगा, ये 90 डिग्री हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है तो ये 150 है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 तो 90 30 120 तो x बराबर बचा 60 डिग्री, आंसर हो गया। तो यहीं तक रहने दीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रहा है, किस क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।